ना करो, ये करवा दो, कलेक्टर के पास भी जाते हैं। सभी संगठनों के लोग मिलकर आपके पास आए और आपसे निवेदन कर रहे हैं अपने खाते में आप आप लोग माना में खाते में ऑनलाइन दिखेगा तभी वो शूट होगा, तो बस वो दिख जाए। ये लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं अपने, अगर आज ऐसी प्रदर्शित हो जाएगा तो 1,32,00,000 की रुपये अपन उसको डाउन कर सकते। और अभी इसके पहले भी अपन ने 5,00,000 रुपये की राशि मांगी थी, और अभी शासकीय स्तर पर शायद अगर आप लोग देख रहे अपने साथ वो वहाँ पे तो है, लेकिन सर अभी क्या दिवाली भी है उसके बाद समझ लो कि स्थिति समझ रहे हैं सर, एक ढंग वाली स्थिति ये है। जब तक पूरे कागज नहीं देगा वो आज तक एडमिशन जिन बच्चों का ओटीपी नहीं आ रहा तो उनका खर्च व्यवस्था तो पहले थी, पर उसका व्यवस्था जी उसके खर्च के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। ओटीपी बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा है दूसरी बात है नोडल वाला जो मीटर है तो बहुत सारे स्कूलों में नोडल ही प्रदर्शित नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा। कल एक बेटा बिहारी वाला राज्य शिक्षा के पास है कि उसके लिए सारा घूमने के लिए 20 तारीख आखिरी कर रखी कुछ नोडल्स का रिकॉर्ड हो गए क्या रिटायर होने के बाद इसमें सिस्टम में क्या है जैसे नोडल रिटायर हो गया प्रदर्शन तो बीआरसी के वहाँ से अपने पास जैसी सूचना आती है वही अपन उसको मेप कर रहा है। नोडल जो है सर छोटी सी बात करूँगा कि अपने बीआरसी डिपार्टमेंट है वो बीआरसी डिपार्टमेंट या आंतरिक कदर ऐसे चल रही है कि जिसकी वजह से वहाँ पे क्या काम व्यवस्थित रूप से हो नहीं पा रहा है। कला नहीं एक एक सिस्टम दूसरे को टैंटिंग कस रहा है, दूसरा दूसरे को टैंटिंग कस रहा है। वहाँ का सिस्टम कैसे चलता है डीपीसी है, डीपीसी के बाद जो भी काम आता है वो सारे बीआरसी को सर्कुलेट करता है, बीआरसी के नीचे संकुल को सर्कुलेट करता है, संकुल फिर उसको थोड़ा सा सिस्टम नहीं है। और इसमें हमने बोला कि लेटर आपको दिया जाएगा तो हमको प्राप्ति ही नहीं हुआ अभी तक, या हो सकता है कुछ तो प्राप्त हुआ कुछ तो नहीं हुआ हो। वो एक लेटर अलग है फाइल दोगे ना उसमें हमने दे दी 18-19 की फाइल दे दी प्लस हाँ तो वो एक लेटर अलग वो देंगे प्रारूप देंगे अपने को प्रारूप हमको नहीं मिला है। चलो उसको तो मैं दिखा देता हूं हम लोगों ने कभी भी हाँ यही है अभी आप चली जाए उनसे बात बाहर रिवर साहब है तो जो सॉफ्टवेयर आया था उस दौरान हुआ क्या कि अपने पास जो फाइल रखी हुई तो सैंपल के तौर पर 30 स्कूलों को अपन ने उससे अपलोड करा दिया, मतलब वेरीफाई करने के लिए भाई वो पेमेंट अपना सही तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा। अब वो 23 रेंडमली जो आ गई वो भी वो डाल दी उन्होंने, तो इसलिए वो भ्रम की स्थिति आप लोगों को लग रहा है कि यार इनने पहले दी थी तो इनका बाद में वो सर क्या कि जो भ्रम जा रहा था वो ये जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि डिपार्टमेंट में जिसका शिक्षा चार्ज चला गया हो वो उसकी फाइल है वो हो रही है नगर वाली पूरी। तो मैंने याद वही था पूरा हुआ ये हुआ यही था वो 23 स्कूल अपन ने सिर्फ सैंपल के तौर पे डाले थे और कि भाई की पेमेंट का क्या करो 20% पहले कटना था उसमें, तो वो सैंपल के तौर पे 23 स्कूल अपने पास जो रखे थे वो रेंडमली अपन ने डाल दिए, पर अब रोटेशन में आ गया है सब कुछ हुआ गया उसके बाद अपने पास राशि नहीं आई, राशि अभी उपलब्ध में अभी 9 तारीख को 2 करोड़ रुपये छोड़ा आ गया और वो अभी अपने खाते में प्रदर्शित है और देख 1,32,00,000 की अपनी फाइल अंदर पड़ी हुई है। आपके साथ
आज मेरे पे गिरे मुझे, मैं रुकें मेरे रुकें कुछ सब प्रॉब्लम होगी मेरे ऊपर कर सिस्टम पुराने समय से चल रहा है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यार राजीव कुमार की आज बेटा है सब राजन सर जी का, इसके पहले कोई जवाब जिला शिक्षा अधिकारी मतलब जिला शिक्षा कि आप प्राचार्य हैं, तो प्राचार्य आप भी सिल पे काम करते हैं, संचालक हैं आप संचालक तो सिल पे काम करते हैं, उसके भी उस पर काम नहीं करते। सर एक बार संचय था थोड़ा सा, जैसे अभी लेटर जारी हुआ आधार EKYC वाला, तो उसमें एक पॉइंट थोड़ा सा ये था कि जो हमने EKYC पहले कर चुके हैं वो तो हमने करवा ली कैसे कैसे बच्चों से OTP वगैरह करवा के, पर वो 19 खास तो 19-20 का जो अभी 32 की नहीं लग रहा है और वो उनके नंबर वगैरह अपडेशन नहीं है, तो इसके लिए तो वो आधार कोई मान ही नहीं है ना, वो जो मतलब OTP का आया और जो OTP की फाइलिंग पहले ही कर, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है तो बगैर शपथ पत्र भी देना चाहिए, जबकि 19-20 के लिए नहीं है, जिनकी फाइलें OTP कम्प्लीट होकर जमा हो चुकी है उसमें भी अब शपथ पत्र सबको लगाना पड़ेगा। सर बताइए आज ज्ञापन दिया क्या है पूरा 2016-17 से लेकर 2019-20 और 2021-20 तक का हमारा RT का पेमेंट भुगतान किया जाए ऐसा निवेदन किया गया DO साहब से। DO साहब ने क्या आश्वासन दिया अभी आपको आज? उन्होंने आश्वासन दिया जैसे ही राशि आती है हम आपके खाते में हस्तांतरित करवाएंगे। पेमेंट इतना पुराना क्यों नहीं आ पा रहा, क्या दिक्कत आ रही है? पेमेंट तो कुछ शासन की पेमेंट लेट आता है वहाँ से, इसके लिए भी कुछ लेट हो जाता है, कुछ फाइलों में नोडल नहीं दिख रहे हैं उसके कारण हमारी फाइल अपडेशन नहीं हो पाता, उसके कारण भी पेमेंट लेट हो रहा है, और कुछ तो पेमेंट 17-18 से अभी रुका भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सोनगंज। आज शिक्षा विभाग पूछेंगे क्या है? आज सभी शासकीय विद्यालय निजी और देवास में कार्यरत तीनों संगठन जो भी हैं उनके सभी संचालक साथी यहाँ पर संयुक्त तत्वाधान में ये ज्ञापन के लिए यहाँ पर आए थे। प्रत्येक विद्यालय को RT संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बसों का पेमेंट नहीं दे पा रहा है, किराया की नहीं दे पा रहा है, किराए की बिल्डिंग में जो चल रहा है वो किराया नहीं दे पा रहा है, स्थिति यहाँ तक आ गई है कि कुछ स्कूल संचालक आत्महत्या करने के मूड में आ गए, और यही सारी सिचुएशन होने की वजह से आज अगर हमें अभी शासन के द्वारा जो 7 तारीख के दिन जो पेमेंट जारी किया गया है अगर वो भी अभी टाइम पे नहीं मिलता है, हमारी दिवाली तो वैसे ही खराब हो गई है आज की तारीख, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे बच्चों को खुश रख पा रहे हैं, ना हमारे यहाँ जो टीचर कार्यरत हैं उन टीचर्स को भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। आज ऐसी स्थिति में हमारे सामने सिचुएशन कितनी खतरनाक है ये आप लोग समझ सकते हैं, उसके बावजूद भी हमें 30 तारीख तक का आश्वासन है सर की तरफ से, हमारे जो आदरणीय है इनकी तरफ से हमें भरपूर सहयोग पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा और मिलता रहेगा, इनकी छत्रछाया में हमने कार्य भी किया है, तो हमें विश्वास है कि सर ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन पे पूरी तरह से अमल होगा, पूरी तरह से कार्य होगा। आपका नाम बता दो। आशीष रघुवंशी, जिला अध्यक्ष देवास। सर बताइए जो आज स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल वाले आए क्या है मामला पूरा? आज पूरे जिले से प्राइवेट स्कूल के संचालक और प्राचार्य आज मुझसे आके मिले हैं, RT के कुछ पेमेंट्स को लेकर समस्याएं और स्कूल खोलने के लिए इनके द्वारा 15 नवंबर से निवेदन किया गया है, क्योंकि कुछ पॉलिसी मैटर वाला मामले हैं उसके तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, पर यह है कि RT स्तर के मामले में अभी शासन से राशि 9 तारीख को ही प्राप्त हुई है, खाते में प्रदर्शित होते ही वो सभी संचालकों के जो प्राप्त प्रस्ताव है उनके अनुसार सूची के अनुसार बता रहे हैं कि बहुत पुराने पहले बिल पुराने के बिल भी नहीं आए अभी तक इनमें वो शासन से राशि प्राप्त लेट होने की वजह से हो रहा है। सर इनका कुछ कहना था कि जो सरकारी स्कूल है उनमें क्या चावल दे जा रहे, गेहूँ दे जा रहे, उस तरह से जो बात कर रहे थे योजना को तहत 1 से 8 के इसमें बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, वो शासन की ही योजना है उसमें। सर उनसे इनको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं, इनका ये कहना है कि वो बच्चों को मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बगैर अनुसूची और उसके TC के बगैर एडमिशन देके उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो ये सूची बनाओ कहा है, मैं इसको थोड़ी सी जांच करवा लूंगा क्या है मीटर पूरा। आपका नाम बता दो। मैं राजीव सूर्यवंशी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वय देवास।